नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार चुनाव में रोजगार बना मुख्य मुद्दा, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरियां देने का किया वादा। आरजेडी 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का पहले ही कर चुकी है वादा। भाजपा के संकल्प पत्र पर तेजस्वी ने कसा तंज का, कल तक भाजपा कहती थी पैसा कहां से आएगा, आज कहती है कि 19 लाख लोगों को देगी रोजगार। नीतीश कुमार पहले ही तेजस्वी के 10 लाख नौकरी देने पर उठा चुके थे सवाल। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में फ्री वैक्सीन देने का किया वादा। बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, हर किसी को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। बिहार में भाजपा के फ्री वैक्सीन के चुनावी वादे पर राहुल ने कसा तंज का, राज्य के चुनाव के हिसाब से तय कर ले वैक्सीन लॉन्चिंग की तारीख। अखिलेश बोले यूपी के साथ भेदभाव क्यों। बिहार चुनाव में नेताओं पर कोरोना का अटैक, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव, एम्स में भर्ती। स्टार प्रचारक शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी भी कोरोना संक्रमित। बंगाल की दुर्गा पूजा में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए पीएम मोदी का, गरीबों की मदद से पूरी होती दुर्गा पूजा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में चुनावी रैली पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सीएम शिवराज की दो सभाएं कैंसिल। बोले सीएम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सिंधिया समझ रहे हैं बीजेपी की नीति, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। कांग्रेस ने कसा तंज, बीजेपी ने खरीद लिया सिरदर्द। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों से पहले तेज हुई तोड़फोड़ की सियासत। बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा के पास पर्याप्त संख्या, तोड़फोड़ की कोई जरूरत नहीं। शिवराज कैबिनेट के मंत्री बिसाहूलाल सिंह का एक और वीडियो वायरल, पिस्तौल लेकर धमकाते हुए आए नजर। उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव, वेब दुनिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। उपचुनाव में नेताओं के बेतुके बयान का सिलसिला जारी, मंत्री ओपीएस भदौरिया का समर्थकों को फर्जी वोटिंग की सलाह का वीडियो वायरल। कृषि बिल पर किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए जेपी नड्डा ने की बात, कहा नए कानून में कहीं भी फसल बेचने की छूट, विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। नौसेना में शामिल हुआ IANS कवर्ती, सेना प्रमुख नरवणे ने किया शामिल। बारूदी सुरंग तकनीक और परमाणु हथियारों से लैस है कवर्ती। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने वीजा पाबंदियों में दी बड़ी ढील, विदेशी छात्रों और कारोबारियों को भारत आने की मिली इजाजत, टूरिस्ट वीजा पर जारी रहेगी रोक। ब्राजील में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक की मौत, लेकिन नहीं रुकेगा ट्रायल। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च में नया खुलासा, कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के फेफड़े और हार्ट पर पड़ता है बुरा असर। टीआरपी स्कैम में सीबीआई एंट्री के बाद उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को लिया वापस, अब बिना सरकार की परमिशन के सीबीआई की नो एंट्री। लोगों को फिर रुला रहा है प्याज, खुदरा बाजार में 80 रुपए के पार कीमत। बारिश से बर्बादी के कारण प्याज की सबसे बड़ी नासिक मंडी में लगातार बढ़ रही कीमत। शेयर बाजार में दिखाई दी गिरावट, 148 अंक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी में भी 41 अंक की दर्ज की गई गिरावट। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दशहरे वाले वीकेंड में हिस्ट्री, कॉमेडी, एक्शन से लेकर ड्रामा से भरपूर कंटेंट। मिर्जापुर का दूसरा सीजन 23 अक्टूबर से अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीमिंग। मीरा नायर की फिल्म आज सुटेबल बॉय नेटफ्लिक्स पर। इसके अलावा लॉकडाउन रिश्ते, कॉमेडी कपल, कैप्टिव स्टेट जैसी फिल्में और वेब सीरीज भी देखने को मिलेगी। 1982 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्मिता पाटिल अभिनीत फिल्म नमक हलाल का बनेगा रीमेक। फिल्म निर्माता मुराद खेतानी ने खरीदे राइट, स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद चुने जाएंगे कलाकार। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।